और दूसरी चीज ये, मैं थोड़ी सी जजेस की टेंशन चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होना शुरू हुई हैं, पहले भी हुआ था और एक दफा फिर से, कि जो हमारा पॉपुलर ड्रामा होते हैं जैसे कि फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का कभी मैं कभी तुम है, तो ऐसे क्लिप्स वायरल होना शुरू हो जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और हमारे फेवरेट स्टार्स को जिस तरह से उस उनमें दिखाया जाता है, मतलब मॉफ वीडियोस हैं, मॉफ वीडियोस हैं और वो इखलाक से गिरी वीडियोस हैं, एक तो अपने प्लेटफॉर्म से इनकी शदीद मुज़म्मत करते हैं कि हमारे स्टार जो कि इतनी मेहनत करके इस जगह तक पहुँचे हैं उनको ऐसे डिग्रेड ना किया जाए, और आप भी आगे जो फॉरवर्ड करें खुद भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ना भेजें, क्योंकि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये फेक है सारी। तो नादिया, आप इस पर क्या आपका टेक होगा? ऐसी चीज़ें जो बनना शुरू हो गई इस तरह की चीज़ों से हमारे स्टार्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुश्मन, जेलस, फारिक, स्टूपिड लोग जो भी कर रहे हैं करते रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको पता है क्या सच है और क्या झूठ है, और इतनी चीज़ें ही आम हो गई हैं कि अब वाकई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब AI के थ्रू आप किसी की आवाज़ कॉपी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ये बात करें, इसके अलावा कोई और बात करने लग जाए। लेकिन मैं लोगों से कहूँगी कि शेयर करना ना ऐसा है कि इसमें आपने गुनाह में अपना हिस्सा डाल दिया, ये ज़रूर याद रखें। हम समझते हैं कि डिजिटल जो हम लोग ऑनलाइन हरकतें कर रहे हैं उसका कोई सवाल जवाब नहीं, उसमें गुनाह सवाब नहीं है, बहुत गुनाह है। गीबत अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर देखा जाए गुनाह अब ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल गुनाह कर रहे हैं, तो कोई चीज़ शेयर करना, कोई चीज़ क्रिएट करना, ये इसमें फुल हिसाब होना है क़यामत के दिन, ये इसका गुनाह है, तो आप उस गुनाह में हिस्सेदार मत हो। मैं तो खोलती नहीं वीडियोज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कहती हूँ नहीं क्या बग बग हो, तो डोंट, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप वैसे गुनाह कर रहे हैं, कोई भी क्लिप, इट्स नॉट योर बिजनेस। आप मुझे अफसोस बस ये है मुकर्रम के पूरी दुनिया में इस वक्त AI का जो यूज़ है ना वो बड़ा पॉजिटिव और बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है। बीट पाकिस्तान या बीट लाइक हमारे जैसे नेशंस, हम इन मीम्स में और इन ना बेहुदा चीज़ों में ज़्यादा हमारी कॉन्सेंट्रेशन है। मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मैं AI में बहुत हूँ इस वक्त, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ AI की, आई हैव एन AI स्टूडियो, वी आर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स नाउ, तो मेरी बहुत रिसर्च रहती है। अब फिर रिसर्च ये भी हुई कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाउ इज़ नाउ आर टीनेजर्स वर्किंग ऑन दी AI, 80% आर ऑन मीम्स, पॉलिटिकल मीम्स, और वो ध्यान ही नहीं दे रहे इस बात पर कि हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोग्रेस विद दिस एज अ नेशन। हम AI को इस वक्त यू नो ग्रैस्प करें, उसको समझें और बेहतर चीज़ हो। और नादिया ने काम में लगे उल्टे सीधे काम, नादिया ने बिल्कुल ठीक कहा है, गुनाह है मेरे हिसाब से ये, एक गलत खबर फैलाना। आज ऊपर से हम एक विजुअल उसमें ऐड कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक लिखा भी नहीं है, एक विजुअल है, और वो बड़ी बेहुदा वीडियो लगी मुझे, मैंने अभी देखी थी, वो शुरू हुई थी, मैंने आगे कर दी, मैं कह रहा, और ये बिल्कुल ठीक बात है, आप शेयर कर रहे हैं, आप गुनाह में शामिल हैं, आपको कोई ये फन नहीं है, दिस इज दिस का हिसाब होगा। हाँ, ये इसमें कोई क्या मजा है? अच्छा, इतनी मेहनत कर रहा है मतलब डायरेक्टर, राइटर, चैनल प्रोड्यूसर, हर कोई के सेंसरशिप का ख्याल रखते हैं। हाँ। आप देखें इतना रोमांटिक ड्रामा है लेकिन कितना सेंसर का ख्याल रखा गया है कि कोई ऐसी बदतमीजी नहीं दिखाई जा रही जिसकी वजह से इट्स अ फैमिली ड्रामा। सो आई थिंक प्लीज डोंट। अधिका जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक्ट्रेस अब ये फेस करेंगे और आगे मजीद भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा होना शुरू कर रहा। पाकिस्तान उन मुल्कों की लिस्ट में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है, तो गुनाह तो छोड़ ही देना आप पीछे। मेरा मतलब है हम इतने गुनहगार हैं कि इट्स अनबिलीवेबल। इट्स अ नोन फैक्ट दैट वी आर राइट अप देयर ऑन टॉप विद द पॉर्न साइट्स एंड द पोर्नोग्राफी पीपल वॉच इन दिस कंट्री। फ्रस्ट्रेशन है ना, जितनी फ्रस्ट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा ये काम आगे बढ़ेगा। तो इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी, और अभी क्योंकि इंस्टेबिलिटी है पोलिटिकल एंड अदरवाइज, इकोनॉमी आपकी बिल्कुल इन शैम्बल्स है, तो लोग ऐसी हरकतें करेंगे। मेरे भाई, जहाँ पे इतनी गुर्बत और इतनी स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी ये और होगा। अच्छा, जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक है, जैसे फहद एंड हानिया आर डायरेक्टली अफेक्टेड, दिस इज़ अ साइबर क्राइम, सो टेक इट टू द FIA, टेक इट टू द FIA एंड गेट दिस रिमूव्ड, इट्स अ साइबर क्राइम। सीधी सीधी बात है, FIA के पास एक पूरा सेल है, आप उनको बोलें कि ये उतरवाएं, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो उनकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है ना। बट ये दुनिया में होता है, आप हॉलीवुड देख लें, आप बॉलीवुड देख लें, दुनिया में ये होता है। कितने हमने वीडियोज सुने और देखे कि भी आए हैं लोगों के कंप्यूटर जनरेटेड। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जितने आप सक्सेसफुल होते हैं ना उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है, उतनी ज़्यादा लोग आपके साथ एक हिस्सा, आपका एक ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो पॉजिटिवली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिवली एंड एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा। अब जिन्होंने ये वीडियो बनाई है और ये वायरल हो रही है, दे आर नाउ बिकमिंग पॉपुलर,
on somebody else's expense, na? So it's a crime actually, and it should be addressed as a crime. Rather than taking taking a religious tact on it, I feel, you know. और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान से बाहर बनी है, जिस तरह पहली वीडियो भी किसी ने हानिया पे अटैक किया था, पाकिस्तान से बाहर निकले थे वो साहब. ये भी जो टीम है पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से बाहर हैं. तो पाकिस्तान से बाहर रुबाब भी थी, वापस आ गई. तस्करा करते हैं रुबाब का. रुबाब का नंबर दे रहे हैं सब. हाँ, इस रुबाब को कर रहे हैं. रुबाब हैज प्लेड दिस कैरेक्टर सो डिफरेंटली. मैंने कभी वो जो अमीर बाप की बेटी ऐसा देखा ही नहीं कैरेक्टर किसी को इतना अच्छा प्ले करते हुए. और ये ज़रूर मेंशन करें कि इससे पिछले वाले ड्रामे में वो जुगी वाली बनी हुई थी, तो कितनी वेरिएशन है नईमा भट्ट में. नईमा भट्ट एंड शी इज़ बिकम लाइक एन आइकॉन. अब तो लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं इस रोल में, जिस तरह ये काम किया. मैंने हमेशा मुझे ड्रामे में शिकायत ही रही कि जब ये बाहर से लड़की कोई आती है वो कितनी टिपिकल एक्सेंट और ये कपड़ों वपड़ों से दिखा रहे होते हैं कि हम बाहर से आए और अमीर हैं. उस इसमें क्लास नज़र आती है एंड एवरीबडी इज़ लविंग हर कैरेक्टर. तो नईमा इज़ एन एट. थ्रू आउट शी इज़ बीइंग फैंटास्टिक. शमोना बस एब्सोल्युटली. नईमा बहुत अच्छा काम किया है नईमा ने, और जितना बिलीवेबल लग रहा है उसको देखकर. और उसने मुझे लगता है सिर्फ अपने क्लास पे काम किया, खामखा के मेकअप पे नहीं काम किया. यानी होता है ना कि बाहर से आए हुए तो ज़्यादा मेकअप किया हुआ हो. मेकअप बहुत उसका रेगुलर सा मेकअप है, और एक बिजनेस माइंडेड जो एक कैरेक्टर होता है वो उसका चेहरे पे नज़र आता है. तो कैरिंग दैट थिंग अच्छा. फिर एरोगेंस का भी एक लेवल है जो कि कंसिस्टेंट है. मुझे आवाज़ नीची करवाती ना उसकी. वॉल्यूम डाउन कुछ इस तरह. और फिर हर वक्त वो फ्राउनिंग में नहीं है. जब वो बात भी कर रहा है तो शी इज़ लाइक वेरी क्वाइट. नॉर्मली नीचे भी देख रही है, ऊपर भी देख रही है. ये छोटा छोटा क्राफ्ट में आती है चीज़ें कि यार आप हर वक्त यूँ नहीं है कि जब मेरे इंसर्ट लग रहे हैं तो मैं उसको घूर रही हूँ, तुम्हारी ये भवें चढ़ी हुई हैं. नो, शी हैज़ डन इट वेरी कामली बिकॉज शी इज़ कॉन्फिडेंट वे शी इज़. तो वो अपने स्पेस में बहुत कॉन्फिडेंट है कि बोल लो जो बोलना है. तो मैंने देखा उसने अपनी कुर्सी भी सीधी की, वो यूँ भी हुई, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का उसने एक फील दी. थम्स अप बडी. नौ नाइन नाइन ठीक है. सो अब हम आ गए 28th 29th, ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस सीरियल. एपिसोड्स काफ़ी आगे बढ़ गए हैं. एंड शुरू में आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद नईमा एंड हर वर्क इन दिस कैरेक्टर, लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे बहुत मोनोटोनस लग रही है. क्योंकि उसमें यह कि उसने वो जिस उसने अपने आप को फ्रेमवर्क में डाला है उसी में थ्रू आउट चलती रही है. एंड उसको सहारा मिला गुड राइटिंग से एंड गुड डायरेक्शन. So if you look at just her performance part of it, she's become pretty monotonous at this point. But if you think about the writing and the direction, usko bahut support mil raha hai with the overall frame. Otherwise, she's not really built the character. Because I'll go back now. Ab main Naima ke jo ye jo Rubab ka character main wapas jaati hu ab shuru ke episodes mein. Similar emotions, similar expression.